एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर प्रियंका पाटकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग गाइस। और मैंने आद्या के लिए बनाए हैं स्माइली, सो मैं उसको देखे आती हूँ। और मैंने आरती भी कर ली है, शाम की माता रानी की जोत जला दी है। और आज मैंने सारा दिन क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज किया है सारा दिन, मतलब आज मैंने दिन में मंदिर साफ किया था। सो ये है मेरा मंदिर घर में जो मैंने इस तरीके से सजा कर रखा हुआ है। और आज मैंने इसकी की है डीप क्लीनिंग, देन इसको फिर ऑर्गेनाइज कर दिया है अच्छे से। और यहाँ मेरा मंदिर का थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है, ऊपर मेरा मंदिर है तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा मंदिर। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आपके घर में फ्रिज नहीं है, सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ मेरे घर में फ्रिज है और इस वाले रूम में रखी हुई है। मेरा किचन बहुत छोटा है इस वजह से उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं किचन रख सॉरी फ्रिज रख सकूं। और बाजू में अलमारी दी हुई है जहाँ पे मैंने पर्दा डाल रखा है, कुछ सामान रखा हुआ है। देन उसके बाजू में है एक बेड और एक सब्सक्राइबर है हमारे या व्यूवर्स है, कौन है आई डोंट नो, बट वो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं आपके घर में विंडो नहीं है। सो गाइस इस वाले रूम में विंडो है, सामने आपको दिख रही होगी, और मेरे घर में विंडो नहीं है। और ये रेंटेड हाउस है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका घर खुद का है कैसा है, तो मेरा ये रेंटेड हाउस है। और ये आद्या आ गई है अपना स्माइली वगैरह खा पी कर, और घोड़ा निकाला था आज दोपहर में इसका, खेल रही थी सो वही रखा हुआ था आंगन में तो वही आके बैठ गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मंदिर के जो कपड़े धुले थे, मतलब कि माता रानी की चुनरी और मंदिर के पर्दे, सो मैंने धुलने के बाद इस वाले रूम में डाल दिया। इस वाले रूम को भी टैडी किया है, थोड़ा सा क्लीन किया है, ये भी थोड़ा सा मैसी हो रखा था और थोड़ी सी डस्ट वगैरह भी हो चुकी थी अलमारियों में, तो मैंने ये सब क्लीन किया है। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ किचन में और आटा मैंने लगा के रख लिया है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैं रोटियाँ सेकूँगी, बना कर रख लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गए हैं मार्केट और सब्जी लेने के लिए, और जब तक वो सब्जी लेकर आते हैं तब तक मैं रोटियाँ बना कर कम्प्लीट करके रख लूँगी, क्योंकि आज सोचा है कि डिनर में जो सब्जी बनेगी वो मेरे हस्बैंड बनाएंगे। मेरी रोटियाँ वो सारी बनके तैयार हो चुकी हैं और मैं इनको हॉट पॉट में बंद करके रख दूंगी। और मेरे हस्बैंड है वो भी आ चुके हैं और वेजिटेबल लेके आए हैं, दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। सो ये देखिए मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं सब्जियाँ, और सब्जियों का थैला मैं लेकर आ गई हूँ। और इसमें है आलू, और क्योंकि आलू घर पे थे नहीं, आलू लेने के लिए ही गए थे वो, तो आलू आ गए हैं। और आज बनेगी आलू और टमाटर की सिंपल सी सब्जी लेकिन हस्बैंड के हाथ से। और ये है वाटरमेलन जो मतलब अभी समर टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगता, सबसे अच्छा फल यही है। और ये है पपीता, और इसमें है बैंगन, और बैंगन लेके आए हैं क्योंकि इनको खानी है भरवा बैंगन, तो वो बैंगन लेके आए हैं। और है इसमें शिमला मिर्च, शिमला मिर्च दो शिमला मिर्च लेकर आए हैं और बैंगन लेकर आए हैं। तो ये है सब्जी, लेने से आलू गए थे लेकिन कुछ और समझ में आ गया तो लेकर आ गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ जो ये पपीता है वो दिखाती हूँ कैसा है पपीता, कम आपको बड़ा सा मैंगो ज़्यादा लगेगा, तो बिल्कुल एकदम मैंगो के जैसे लग रहा है।
तो बहुत ही अच्छा, लेकिन है पपीता। तो चलिए अब इन सबको उठाकर रखती हूँ और आलू निकालती हूँ और उनको पहले पील कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आलूओं को छील कर काट कर रख लेती हूँ। तो कुछ लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप बहुत कम खाना बनाती हो, कंजूस हो खाना बनाने में, कंजूसी करती हो। तो ऐसा नहीं है कि कंजूसी करती हूँ, जितना खाएंगे उतने तो बनाएंगे, बर्बाद तो करेंगे नहीं। तो इसलिए मैं दो आलू, ये जो मीडियम साइज़ के कह लो या बड़े साइज़ के कह लो, ये दो आलू हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। थोड़ा सा आध्या भी इसी से खा लेती है, लेकिन ज़्यादा जब खाना ही नहीं है, ज़्यादा खाते ही नहीं है, तो बर्बाद क्या करना। इस वजह से बस दो आलू हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ मैंने काट लिए हैं, इनको पानी डाल लेंगे, धुल लेंगे। तो आ गए हैं मेरे हस्बैंड किचन में और सब्जी को तड़का देने वाले हैं। तो इन्होंने पहले मसाला है, जो मसाले डालते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया, उन सबको थोड़ा सा पानी डालकर घोल लिया है। इनका खाना बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा। सो मुझे इनकी हाथ की बनी हुई सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किस किस के हस्बैंड कभी कभी खाना बनाते हैं और किस किस को अपने हस्बैंड के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। सो ये तो अक्सर मतलब कभी कभी मेरी हेल्प भी करते, हेल्प तो करते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब मूड नहीं होता है मेरा खाना बनाने का तो ये खाना बना देते हैं। और ख़ासकर एकदम इनकी सिंपल सी जब सब्जी खाने का मन होगा मेरा, तो मैं इन्हीं से कहूँगी कि दे दो तड़का और बना देंगे, बना दे भी देते हैं, ये तुरंत मना नहीं करते हैं। तो यहाँ जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है और इसको भून लिया है। और ये जो मसाला है वो गाढ़ा हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा पतला करके इसको कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे और मसाले को भूनने के बाद इसको ऑयल छोड़ने तक इंतज़ार करेंगे। देन उसमें आलू डाल देंगे और उसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी अपने अकॉर्डिंग ही डालना होता है, इनको थोड़ी सी पतली सब्जी वाली पसंद है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे और इसको पकाएंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालना है कि इसको पकने में भी थोड़ा सा पानी जल जाता है, देन उसी हिसाब से डालना है। और मैंने एक कैमरे में इनको नहीं लिया है क्योंकि इनको पसंद नहीं है और इनको बनाना था और मुझे शूट करना था, इस वजह से इनको मैंने कैमरे में नहीं लिया है, बस थोड़ा सा शूट कर लिया है कुकिंग करते हुए। देन इसको ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद इसमें डाल देने हैं टमाटर जो काट के रख लिए थे, उस टमाटर डालने के बाद को थोड़ी देर और पकाना है। और ये हमारी जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, बन के तैयार हो गई है। और अब बारी है इसमें धनिया डालने की, धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता मैं स्टोर करके रखती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं धनिया पत्ता आप कैसे स्टोर करके रखती हैं। सो मैंने वो वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना कि मैं धनिया पत्ता को कैसे स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए हमारी डिलीशियस सी सब्जी है, वो बन के तैयार है। थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल कर दिया गया लास्ट में,
तो चलिए आप डिनर कर लेते हैं। और पपीता भी काट रहे हैं, बोले कि पूरी तैयारी कर दो, यहाँ मैंने थाली लगा दी है। तो बोल रहे थे कि खाना तो बना ही दिया है, सब्जी तो बना ही दी है, लो मैं पपीता भी काट देता हूँ। तो यहाँ पपीता भी इन्होंने ही काट दिया है और पपीता भी कट के तैयार है। तो हमारी ये थाली लग के तैयार है और आध्या देख रही है, पापा सारा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी डिनर की थाली लग के तैयार है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।